किसी ने क्या खूब ही कहा है ना कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर, क्योंकि क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों पर। कभी उनकी बातों पर बुरा नहीं मानना चाहिए जो पीठ पीछे कुछ कुछ बोलते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि आप अभी भी उनसे दो कदम आगे हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं सोनी एक बार फिर हाजिर हूँ नए ब्लॉग के साथ, और मैं आशा करती हूँ कि मेरा पूरा YouTube परिवार बहुत अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा। आप सबके प्यार आशीर्वाद के साथ मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सिंग जार में मलाई डाल ली, और अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, यानी कि थोड़ी देर तक पीस लेते हैं, थोड़ी देर, 2-3 मिनट। तो देखिए अब थोड़ी देर के बाद ये इतना थिक हो गया है कि अब इस थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 सेकंड में इसका जो मक्खन होगा वो ऊपर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे मक्खन भी ऊपर आ गया है। तो चलिए अब हम मक्खन को निकाल लेते हैं। देखिए थोड़े से मलाई में, मेरे पास थोड़ा सा मलाई नहीं था, केवल एक कटोरी ही मलाई था, ज़्यादा नहीं था। तो उस एक कटोरी में हमने यहाँ कितना सारा मक्खन निकाला, वो मक्खन अब हम उस पानी से जिसमें हमने मक्खन निकाला था उस पानी से निकाल के हम साफ़ पानी में रख लेंगे, मतलब अच्छे से धो लेंगे। और यहाँ पे सारा मक्खन निकालने के बाद मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और देखिए थोड़े से मक्खन मलाई के साथ कितना सारा मक्खन निकला। अब मैं इस मक्खन मक्खन का घी निकालने वाली हूँ। तो देखिए अभी ये थोड़ी देर पकेगा इसमें, और फिर अपने आप ही घी बाहर हो जाएगा। वैसे आपने बहुत बहुत वीडियो में ऐसा देखा होगा कि मलाई से मक्खन निकाला जाता है, उसके बाद फिर घी, लेकिन मैं आज आपको कुछ अलग चीज़ दिखाने वाली हूँ जिसे आप मलाई से मक्खन और मक्खन से घी और उसी से हम पनीर भी निकालेंगे। या फिर आपने एक तीर से दो निशाने तो सुने होंगे, यहाँ एक तीर से 4 निशाने लग रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में और एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो देखिए अब बिल्कुल घी इसका सेपरेट हो गया है और ये बाहर मैंने निकाल लिया है। तो देखिए कितना सारा इसमें घी निकला है। पीछे से बहुत साउंड आ रहा है, कुछ काम वहाँ पे हो रहा है, इस वजह से इतना ज़्यादा शोर आ रहा है, तो आप इग्नोर करिएगा उस शोर को। देन अब हम निकालने चलते हैं पनीर। तो वो जिसमें हमने मक्खन निकाला था, वो जो दूध बच जाता है उसको हम डाल देंगे एक पैन में, और उसको चढ़ा देंगे हम गैस पे। इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं, केवल चढ़ा देना है गैस पे, और थोड़ी देर में ये खुद ही फट जाएगा। देखिए ये धीरे धीरे फटने लगा। अभी चढ़ाए हुए मेरे को 2 से 3 मिनट ही हुए, और जैसे ये गर्म हुआ ये ऑटोमेटिक खुद ही फट गया। हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि ये किस टाइप से फट गया है। एकदम मतलब ऐसे तो नॉर्मली दूध नहीं फटता होगा जिस तरीके से ये फट जाता है इतने अच्छे तरीके से। और देखिए ये बिल्कुल फट गया है। तो अब हम इसको एक कपड़े में छान लेते हैं, और यहाँ पे मैं बिल्कुल अच्छे से इसको इसका पानी निचोड़ लूँगी।
पानी निचोड़ने के बाद अब हमने क्या करना है, पहले इसको अच्छे से, मतलब इतना भी ज़्यादा पानी नहीं निचोड़ देना है कि इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होना चाहिए इसमें। तो मैंने बिल्कुल ही इसमें से पानी निकाल दिया है। अब इसमें जो थोड़ा बहुत पानी बचा होगा तो इसके ऊपर ज़्यादा भारी भी नहीं रखना है, कुछ भारी सा सामान रख देना है और इसको छोड़ देना है आपको 2-3 घंटों के लिए। ये देखिए, जैसे कि मैंने, ये ज़्यादा भी भारी नहीं है, मैंने रख दिया है और अब मैं 2-3 घंटे के बाद इसको हटा रही हूँ। तो देखिए एकदम पनीर बन के रेडी है और कितना प्यारा लग रहा है और इतना इतना अच्छा बना था ये, सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार आप खुद ट्राई करेंगे ना तो आप भी कहेंगे कि वाह क्या ट्रिक बताई मैंने। और ये हमारा पनीर बन के रेडी है, तो एक बार मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ कि ये कैसा है। तो देखिए बिल्कुल स्पॉन्जी सा बना है और ये एकदम, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे